नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एजुकेशन चैनल पर। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सही समय पर हमारे सभी नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकें। जैसा कि दोस्तों हमने आपको पिछली बार कहा था कि RPSC 5 अप्रैल तक लगभग 51,000 भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी करेगी। इसी दिशा में RPSC ने अब तक 3 विज्ञापन जारी कर दिए हैं, बाकी विज्ञापन भी जल्दी ही जारी हो जाएंगे। राज्य के लगभग 30 से अधिक सरकारी विभाग द्वारा हजारों की संख्या में भर्ती करवाने के लिए अभ्यर्थना RPSC को भेज दी गई है और कोई भी अभ्यर्थी अब 2 अप्रैल से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद उससे कितनी ही नौकरियों के लिए आवेदन कर सकेगा। तो 2 अप्रैल से आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन सुविधा शुरू हो जाएगी। आज हम बात करेंगे कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर ने माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रधानाध्यापक के लगभग 1200 पदों पर विज्ञप्ति जारी की है। आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सभी 1200 पदों को अलग अलग कैटेगरी वाइज बांटा गया है। इसमें सामान्य कैटेगरी के लगभग 420 पद हैं, सामान्य महिला के 120 पद हैं। सबसे मेन चीज़ है शैक्षणिक योग्यता। तो शैक्षणिक योग्यता में पहला बिंदु है कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, यानी आप ग्रेजुएशन होने चाहिए और प्लस में डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए इन एजुकेशन, चाहे उसमें आपके पास बीएड हो या फिर आपके पास BSTC हो, दोनों ही मान्य होंगे। दूसरी शैक्षणिक योग्यता है इसके अंदर कि आपको मिनिमम 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन एनी स्कूल, ध्यान दें इन एनी स्कूल, यानी आपको किसी भी स्कूल से 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यह चीज़ इसके अंदर मेन है। इसके लिए आपको अपने जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा लिखवा कर लाना होगा। जिला शिक्षा अधिकारी संपूर्ण कागजों की जांच करके ही वो आपको लिख के देगा, जैसे कि आपके विद्यालय की कैश बुक में आपका नाम होना चाहिए, स्कूल के रजिस्टर में आपकी प्रेजेंट होनी चाहिए, यानी आपके पास यदि सभी कागज हैं तो जिला शिक्षा अधिकारी आपको आराम से लिख के दे देंगे। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आगे बात करते हैं हम अनिवार्य योग्यता। तो इसमें आपको हिंदी और राजस्थान कल्चर की नॉलेज होनी चाहिए। अब बात करते हैं आवश्यक नोट। इसके अंदर आपकी जो डिग्री या डिप्लोमा है, भारत में मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय या समकक्ष से प्राप्त होना चाहिए। आपके टीचिंग एक्सपीरियंस की गणना बीएड या BSTC होने के बाद की जाएगी और यह आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक तक की जाएगी। निजी शिक्षण संस्थान व सरकारी सेवा का अध्यापन अनुभव जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होने पर ही मान्य होगा। आयु के अंदर आपकी 1 जुलाई 2018 को कम से कम 24 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा शेष आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट दी गई है। साथ ही यह भर्ती 2012 के बाद अब 2018 में लगभग 6 साल बाद निकली है, इसलिए सामान्य वर्ग को उनकी अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट दी गई है, यानी सामान्य वर्ग की आयु आप 40 से 43 वर्ष मान सकते हैं। इसमें सभी वर्गों को उनकी अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट दी गई है। अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। इन पदों हेतु परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में यानी ऑब्जेक्टिव टाइप में होगी, ऑनलाइन या ऑफलाइन हो सकती है। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा। आवेदन की अंतिम दिनांक, आवेदन आपके 9 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे और 8 मई को रात्रि 12 बजे तक चलेंगे, यानी आपको 8 मई से पहले आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए आपको RPSC की ऑफिशियल वेबसाइट जो दी हुई है इस पर जाना होगा। यहां से आपको SSO पोर्टल को लॉगिन करना होगा। वहां पे आपको स्टेट रिक्वायरमेंट पोर्टल पर आधारित वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR कर अभ्यर्थी परीक्षा हेतु आवेदन कर सकता है। अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क परीक्षा हेतु आवेदन पत्र भरकर स्टेट रिक्वायरमेंट पोर्टल पर उपलब्ध भुगतान सुविधा से भुगतान कर आवेदन क्रमांक जनरेट करना होगा और अंतिम दिनांक से पहले फीस का भुगतान करना होगा। फीस रिफंड नहीं होगी। ऑनलाइन संशोधन की प्रक्रिया अंतिम दिनांक 9 मई के बाद 15 मई को रात्रि 12 बजे तक की जा सकती है।
एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यह आपका कुल 600 नंबर का पेपर होगा। इसमें आपके दो पेपर होंगे, दोनों आपके 300-300 नंबर के होंगे और दोनों के लिए आपको 3-3 घंटे का समय मिलेगा और 1/3 आपके नेगेटिव मार्किंग होगी। दोनों पेपर का सिलेबस आपके यहाँ दिया हुआ है, मैं इस नोटिफिकेशन का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से इसे डाउनलोड करके आसानी से देख सकते हैं। इसका सिलेबस काफ़ी लंबा चौड़ा है, इसमें लगभग सब कुछ ही दिया हुआ है, बाकी इसके सिलेबस पर हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। फिलहाल दोस्तों यदि आप इसके योग्य हो तो इसे ज़रूर अप्लाई कर देना, क्योंकि इसमें फॉर्म बहुत कम अप्लाई होते हैं। साथ में दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।